एक फुल कढ़ाई चिकन, 10 रोटी बेलन, चिकन पाउडर है पैकिंग में। धुएंधार सर्दियों में मटन क्या होगा इससे बेटा? हमारी फिश टिक्का है। फिश टिक्का? हाँ जी, हमारी भट्टी फिश है। इसमें स्टफिंग जाती है, ड्राई फ्रूट जाता है। अच्छा, और ये भी यहाँ पे बहुत चलती है। ये देख रहे हो कितनी नरम है, हड्डी अलग हो गई। एक सेकंड में 1 करोड़ प्लस चिकन करी बेचती इन लोगों ने, मजाक हो रहा है। इतनी सर्दी है दिल्ली में, मजाक नहीं कर रहा यार, दिमाग घूम गया। स्वेटर स्वेटर सारी लेयर्स पहनी हुई है, बट स्टिल नॉट वॉकेबल। आज मैं हूँ जी फरीदाबाद सेक्टर 16, और यहाँ पे एक जगह पे आया हूँ जिसके बारे में बताऊँ। खास बात क्या है, 1 करोड़ प्लस चिकन करीज हैज ऑलरेडी बीन सोल्ड, इन्होंने होर्डिंग में लगा रखा है। जगह का नाम है काकेदा होटल, जिसका मैं व्लॉग बना चुका हूँ। अब लेट मी बी ऑनेस्ट, यहाँ के ओनर साहब जसविंदर जी इज बिकम अ रियली रियली गुड फ्रेंड एंड ही ट्रीट मी लाइक अ ब्रदर। फोन वोन करते हैं, मिलने का सीन हो जाता है। अब इन्होंने खाने की कोई भी नई बात होती थी कॉल्स में, कह रहे शो बीमार को ना दिखाना है कुछ खाने में, बताओ। कह रहे तो खाना मटन बर्रा, धुएंदार मटन बर्रा, और उसी के साथ में खाना भट्टी चिकन, लिप स्मैकिंग भट्टी चिकन, देख के दिमाग घूमेगा। और क्या कहते हैं, हाँ मटन कबाब और चिकन कबाब लोग इंजॉय करते हैं अपने मसाले के हैं, प्रॉपर तरीके से शेफ बना दे तजुर्बे के साथ। और कह रहे ग्रेवी में खिलाना है क्या, जो 1 करोड़ से ज़्यादा बिकी है चिकन करी, और इसके साथ में कह रहा है दही मीट के साथ खिलाना है हमें बटर चिकन दैट पीपल रियली लव इन दिल्ली NCR, यू नो इट। अच्छा जी, ऊपर उन्होंने थोड़ा बैठने का एरिया बना दिया, बिकॉज सर्दी इतनी है, पीपल के नॉट सिट आउटसाइड, ऊपर का बनाते हैं। मिलते हैं, सब चीज़ें ऑर्डर करते हैं, किचन विचन, थोड़ी बातें, थोड़ी गप्पे, थोड़ी शप्पे, थोड़ा एंटरटेनमेंट और एक अच्छा रिव्यू, वीडियो कहीं तक बन रहना चले। गाइस, इसे कहते हैं सेक्टर 16 की मार्केट फरीदाबाद में, और ये है जी काकेदा होटल, ऊपर देख रहे हो, ऑफ दिल्ली कनॉट प्लेस। हाँ जी, क्या हाल है जी? बढ़िया बढ़िया सर, आप सुनाइए कैसे हैं? आपसे मिलकर हमेशा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। सर्दी कितनी कर दी आपने? हाँ जी हाँ जी, सर्दी बहुत हो रही है जी। हाँ जी, और बताओ सब ठीक ठाक? बहुत बढ़िया सर। काम वगैरह? काम बहुत अच्छा सर। आपके चिकन के तो फैन है लोग, चिकन मटन वगैरह? सर बिल्कुल हिट हो गए हम फरीदाबाद में, बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा जी, हाँ जी, चलो गॉज क्रेज गाइस, ये देखो क्या आ गया बीच में, पढ़ रहे हो, वाह जी वाह। एनीवे, किचन चले पहले फिर ऊपर लेके चलते हैं। हाँ जी सर, किचन चलिए, मैं आपको फिर एक नई जगह जो हमने कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छा बैठने का बनाया है फर्स्ट फ्लोर पे, वो आपको दिखाना चाहूंगा। और बताइए जी, सब ठीक है ना? सर बहुत बढ़िया सर, बहुत जी वाह, किचन में तो मौसम ठीक रहता। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सर, आइए। नमस्कार जी, नमस्कार सबको, नमस्कार, ठीक ठाक है जी? वेरी गुड। किससे शुरुआत कर रहे हो जी, क्या बनवा रहे हो पहले? सर पहले हम आपको बनवाएंगे बटर चिकन, पहले ग्रेवी में बटर चिकन दिखाएंगे, दही मीट दिखाएंगे और चिकन करी। बड़े लाजवाब है आपका खाना, मैंने जो सुना है, आप मुझे बताइए आपकी क्वालिटी कैसे चल रहा है? रेस्टोरेंट चलाते हो यहाँ पे फरीदाबाद में 1 साल हो गया और बहुत अच्छे कस्टमर हमने बनाए हैं यहाँ पे, इसीलिए आज आपको बुलाया। नमस्कार शेर साहब, मक्खन पहले। नमस्कार जी, क्या बना रहे हो पहले? बटर चिकन। वेरी गुड, और यहाँ पे दही मीट। अच्छा, देसी घी, कस्तूरी मेथी। तो आप क्या, तो एक क्वार्टर है, पोर्शन के हिसाब से आता है ना? हाँ, पोर्शन के हिसाब से हाफ फुल। ये व्हाइट ग्रेवी, ये टमाटर ग्रेवी। अच्छा, ये व्हाइट ग्रेवी जाती है, ये कैशू वैशू की होगी, काजू वाजू की? प्योर काजू है। ये रेड चिली की खोया पड़ गया इसमें, खोया, ये चिल्ली और अदरक, दही मीट के लिए, दही मीट के लिए। ये ग्रेवी है जो इसका मेन बेस है। ये स्टॉक हो गया? वाह जी वाह। शेह साहब कितने सालों से कर रहे हो कुकिंग? मेरे को 18 साल हो गए। अच्छा जी, वेरी गुड। ये देख रहे थे आज आपने चाप नली, मेरे फेवरेट पीस दी है। कौन सा फूड? नहीं यार, चाप और नली, नली एक्चुअली नली है। हाँ देखिए, मैंने देखिए। जसविंदर जी आपका क्या फेवरेट है, बटर चिकन या मटन? सर बटर चिकन भी फेवरेट है और मटन भी फेवरेट है। ये नहीं कर सकते आप, एक बताओ। एक ही बताना है सर, बड़ा मुश्किल है ये। अच्छा जी, मतलब कोई मटन खाने का मन करता है तो दही मीट बड़ा अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, और बटर चिकन तो है ही है सर, ऑल टाइम फेवरेट है वो तो, हमेशा ही रहा है। अच्छा, कीमत क्या दे रहे हो मटन की जसविंदर जी? कीमत क्या दे रहे हो बटर चिकन की? बटर चिकन सर हमारा नहीं आ रहा सर, ये हमारा 279 का पोर्शन देते हैं। अच्छा, और मटन का? मटन का सर हम देते हैं 450 का, 2 पीसेस। हाँ जी, वाह जी वाह। धुएंधार सर्दियों में मटन क्या होगा इससे बेटा, और इस किचन में खड़े होकर काम करना ना इस टाइम पे हेवनली है, जबकि गर्मी में होती है दिक्कत है। हो गया जी, गाइस बटर चिकन डन। हाय, स्टार्ट
स्टार्टर लेके जी। हाँ जी सर, आइए सर दिखाता हूँ आपको। बड़ी कोजी किचन है ये। अच्छा ये अफगानी तकड़ी जो स्टफ होती है, अरे वहाँ दिखाना शेफ से, दिखा ये देखो गाइस, इसे क्या कहते हो आप? अब ये स्टफ टंगड़ी सर, ये हमने पिछले की थी सर। नहीं स्टफ टंगड़ी नहीं की थी, अफगानी टंगड़ी की थी। अच्छा जी, तो इसमें बेसिक, अच्छा जी इसमें स्टफिंग जाती है, ड्राई फ्रूट जाता है। अच्छा, और ये भी वहाँ पे बहुत चलती है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा नमस्कार जी। नमस्कार जी, ये भट्टी मुर्ग जी सर। वाह जी वाह, देख रहे हो गाइस फ्रेश मैरिनेट। रेस्टोरेंट में अगर अच्छा काम हो ना, ऑब्वियसली रेस्टोरेंट इजी वे फॉर बाहर खाना खाने का, मतलब यू कैन लुक फॉर अ ढाबा, रेस्टोरेंट्स में कॉमन होते हैं, एंड इफ यू गेट गुड फूड ना व्हाई नॉट यार। अच्छा पीछे मैं आपके देख रहा हूँ वो चिकन और मटन कबाब। अच्छा पहले अपने मसाले क्या होते हैं जी सर? बिल्कुल अपना मसाला, अपना मीट ग्राइंड करते हैं, अपने बनाते हैं। और ये हो गए चिकन कबाब। मटन बर्रा जी एक प्लेट में कितने पीस आते हैं इसके? चार पीस आते हैं। तो नाम क्या आपका? सदलीप सिंह। अरे वाह जी, किचन में काम करने का मजा आता होगा सर्दियों में, है ना? महसूस ही नहीं होता कि अब आप बोलोगे गर्मी में पूछो। पूरा सिस्टम ऐसा करा रखा है यहाँ पे, सारा इनके लिए कूलर है, सब कुछ है, सब कुछ गर्मियों में भी एकदम माहौल अंदर ठीक रहता है। अच्छा आइए सर, मैं आपको ऊपर दिखाना चाहूँगा जहाँ हमने बैठने का इंतजाम किया कस्टमर के लिए। अच्छा आइए प्लीज। नहीं स्टार्टर मैंने हो रहे हैं तब तो ऊपर दिखाते हैं, ये तब से कह रहे ऊपर चलो। अच्छा बनाया। जैसा एक बात बताओ। हाँ जी सर। मज़ा आ रहा है रेस्टोरेंट लाइन में? जी सर बिल्कुल मज़ा आ रहा है। वाह वाह, डेली खुला ना आपके तो? हाँ जी सर। अरे वाह जी, गुरु जी की फोटो लगाई है, बड़ा अच्छा लगा देख के। हाँ जी सबसे पहले। अरे वाह, बड़ा अच्छा बना दिया है। अच्छा लोग बैठे हैं ऑलरेडी कस्टमर? हाँ जी हाँ जी कस्टमर। चलो वेरी गुड है, बड़ा अच्छा बना है, कोजी सा बनाया हुआ। हाँ जी हाँ, इसका बड़ा फ़ायदा है सर्दियों में। सर्दियों में यहाँ पे आप पार्टीज कर सकते हैं, 50-55 लोगों की गैदरिंग हो जाती है, पूरे का पूरा रेस्टोरेंट बुक करना चाहें वो भी हो जाएगा। अभी हमने एक करा भी, अभी एक पार्टी अभी हमारी करनी है हमने, तो पूरा रेस्टोरेंट बुक करना चाहें वो भी हो जाएगा, मतलब मोटी बड़ी गैदरिंग। हाँ जी बड़ी गैदरिंग। आप चलते हैं किचन में। अरे वाह। हाँ जी सर, सब लगाए चिकन करी? ये सूप है? वेरी गुड। हाँ जी चिकन करी तैयार। सब करी मटन और चिकन की एक होती है? अलग। ये जो होता है ना लेग और थाई पीस इंटैक्ट, ये काके का ना स्टेपल है, मतलब इफ़ यू गो टू एनी काके ना यू विल सी दिस। अच्छा सबसे बड़ी बात है जो जसिंदर जी है ना, इनका ना व्यवहार बहुत अच्छा है टुवर्ड्स इस कस्टमर, यू नो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। खाना बेचना आसान होता है बट किस हिसाब से लोगों का सोचते हुए, क्वालिटी का ध्यान रखते हुए, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा प्रताप का यूज़ कर रहे हो? जी सर प्रताप बेस्ट है सर की। आई नो मैन, आपकी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बट ये प्रताप का ये पैकेट तो सबसे बेस्ट है, मतलब स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट गाइस जेन्युइनली इज राइट, प्रमोट नहीं कर रहे, मैं फिर से नाम नहीं लूँगा बट अगर आपने डब्बा देख लिया ऑर्डर करना घर पे, थैंक यू करोगे। कैटरिंग के लिए आई हुई है फिश, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारी फिश टिक्का है। फिश टिक्का? हाँ ये हमारी भट्टी फिश है। यार आपने हमारी तो फिश लगवाई नहीं? नहीं सर बिल्कुल रखवाएंगे आपके लिए भी, सर के लिए भी बट्टी फिश लगाइए। नहीं नहीं बट जेन्युइनली व्हिच इज बेटर, ये वाली है? ये वाली आपकी कौन सी है? ये ज्यादा बेटर। और ये इसमें कौन सी फिश यूज कर रहे हो सर? इसमें हमारी सुरमई यूज होती है। सुरमई यूज होती है गाइस, यहां पे ना कबाब ऑलरेडी तैयार होने लग गए हैं, ये देखो जी। अच्छा कबाब के छोटे पीस करके देते हो? हां जी छोटे। हां जी सर छोटे पीस करके देते हैं गाइस। ये हो गया चिकन कबाब और ये हो गया मटन कबाब और ये हो गए आप जी बर्रे। मैं यहाँ खाना दिखा रहा हूँ, अभी यहाँ अच्छा अच्छा ऑर्डर ले रहे हो हैं। एक्चुअली पैकिंग का काम शुरू हो जाता है शाम को, बड़ी जल्दी हो जाता है। अच्छा जी चलो वेरी गुड यार। ये क्या हो रहा है जी? ये चिकन टिक्का है। अच्छा किसी और का चिकन का ऑर्डर? अरे वाह जी वाह, कड़क रोटी तैयार कर रहे हो हैं जी। स्टफ तंगड़ी हाँ जी, सारा खाना देख लिया एंड किचन वाज अमेजिंग यार, गुड थिंग दैट द ऑर्डर्स आर गोइंग बैक टू बैक एंड जसवंत जी इज वेरी कॉन्फिडेंट। ऊपर चले जी, चलो जी। हाँ ऊपर भेज, तो मैं ऊपर ही जा रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, खाना लग गया सारा एंड ऑनेस्टली बिकॉज कस्टमर्स सिटिंग सो आई वोंट रियली टॉक लाउड। दिस इज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग टू लुक एट, दिस इज लाइक प्रॉपर पंजाबी नॉर्थ इंडियन मील, जहाँ पे बर्रे भट्टी कबाब मटन चिकन दही मीट बटर चिकन करी नान एंड एवरीथिंग यार, दिस इज जस्ट नाइस। बात करते हैं, शुरू करते हैं, मतलब बात कम करते हैं काम ज़्यादा करते हैं। लेट्स कीप द वॉच एंड द रिंग टाइट पे और करें वाह। ओके लेट्स स्टार्ट विद चिकन कबाब। ये देखो जी ये है जिनका चिकन कबाब, आई लाइक अपने मसाले के बनाते हैं एंड इट गोज रियली वेल विद चटनी, सो हल्का सा डिप करते हैं। ओके राइट, थ्री
टू वन सब्सक्राइब लेट्स गो इन एक अब तो हमने भेजा आपको कंप्लीट ब्रांडिंग ब्रांडिंग रोलिंग ओके यू नो थिंक अबाउट कबाब इफ यू पुल इट वेल अपने मसालों के अपना ग्राउंड करके मीट अपने मसाले डाल के फैट कंटेंट राइट अमाउंट में डाल के इफ यू पुल इट अवे ना यू कैन बी हीरो ऑफ कबाब एंड कबाब इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग डिशेज प्रोवाइडेड कि आप माल अच्छा डालो कबाब पे भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज हम इसके हिस्ट्री नहीं बताओ वेरी नाइस आई लाइक द फील ऑफ कोरिएंडर थोड़ा रिफ्रेशिंग है नींबू डालें और अच्छा लगे बाई चांस नींबू नहीं है बट हाँ वैसे डाल देना और सारे मटन कबाब भी थैंक यू सर ये फिश आगे दिए देख लो मसाले ना भाई ले चुका भाई साहब ये देखो मटन कबाब इन एवरी रेस्टोरेंट ऑब्वियसली मीट इज द मेन थिंग बट देन कई बार क्या होता है जो मसाला बाद में डलता है ना ऊपर वो अलग जादू करता है चटपटा बना देता है ये प्याज भी ना या मसालेदार है ये देखो ये है जी इनका मटन बर्रा है तो इनका बड़ा भी मेरा है और उसको मैं अटैक करूँगा अंदर से देखो मुझे पता है मेरी ऑडियंस को मटन पसंद है और मेरे लिए यही बहुत है क्योंकि पता क्या है अंत में आके ना यार 10 दिन 15 दिन में बहुत है ना बहुत घूमता हूँ बहुत कंट्रीज जाता हूँ सब कुछ करता हूँ अंत में आके ना मुझे इंडियन फूड याद आता है और 2-4, 6 दिन 8 दिन ठीक है उसके बाद जो क्रेविंग होती है ना मटन का कुछ स्टैंड नहीं करता मसालेदार प्रॉपर समझ लो और पता है प्रोफेसर शेफ ने बनाया कुछ ना कुछ बैक स्टोरी है ये तो ऐसे नहीं मिलता समझो व्हाई आई लाइक दिस रेस्टोरेंट वैसे आपके बहुत है आपको पता है हर जगह फ्रेंचाइज है बट समटाइम्स व्हेन द ओनर गेट्स इन्वॉल्वड ना एंड डोंट थिंक कि मैंने फ्रेंचाइज ले लिया इनका काम है अपने आप करेंगे वो विल सही नहीं है वो तरीका सही नहीं बिजनेस करने का फ्रेंचाइज जिसकी भी दे दो काम जिसका भी कर लो तो खुद इन्वॉल्व ना हो ना मज़ा नहीं आता दैट्स बाय माय एक्सपीरियंस विच हैज सीन इन माय होल करियर क्या जी ये है जी भट्टी मोर आपने नोटिस किया इन्होंने जीरो से मैरिनेट करके आपके सामने डाला था ये नहीं था हाफ डन था इनके स्टार्टर्स की अच्छी बात यह है कि हाफ डन करके नहीं रखते समझ लो सो दैट्स अ वेरी 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 डिटेल्ड थिंग लोग नोटिस नहीं करते जितने भी लोग आधे वो करके रख देते हैं ना लटका देते हैं स्टीवर्स में इट्स नॉट द राइट वे जीरो से करो मैन 10 मिनट फालतू सही ऑर्डर में बट खाना मज़ेदार फ्रेश है भट्टी भट्टी मुर्ग वाह मज़ा आ गया सर्दियों में ना वैसे ऐसे खाने बड़ा मज़ा आता है मैं आप नहीं कह रहा मज़ा नहीं आ रहा कोड की जगह बना लेते हैं भाई क्यों मेन कोर्स खाना है और मेन कोर्स लग रहा है लाच वाह नान वान दिया गार्लिक ये देखो आगे ये अरे पासपोर्ट साइज फोटो खींच लो इसका स्क्रीन शॉट ले लो बूढ़ी का मच्छी भी टाई हुई है ये देखो जी हाँ हाँ ये लो जी ये लो यार रख दी मच्छी छोटी सी बाइट लेते हैं सर्दी का मौसम मच्छी ना बात समझ में पता है ऐसा खाना ना मुझे डेली चाहिए गर्मा गर्म जितनी सर्दी है शरीर की बात देखिए काम पे वहाँ पे मेरा शाम वाला काम आ रहा है तेरा चलो जी ये देखो जी ये इनका चिकन करी ये मैं थोड़ी ग्रेवी डाल रहा हूँ यहाँ पे पहले देख रहे हो ये सर हमारे यहाँ का फेवरेट नान है चिल्ली गार्लिक नान देख लिया जी मैंने नान भेजा आपने हाँ जी ये देख ओ हो देख रहे हो कितनी नरम है हड्डी अलग हो गई एक सेकंड में ये 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 चिकन करी खाते हैं पहले ये देखो जी इधर आओ सो कड़क रोटी और चिकन करी सबसे साधारण नॉनवेज खाना है और 1 करोड़+ चिकन करी बेचती इन लोगों ने मजाक हो रहा है सिंपल
हर किसी टमाटर की खटास और मिठास दोनों साथ में, पत्ती ग्रेवी, चिकन गला हुआ अच्छे से, देसी घी का पूरा फ्लेवर, और इसी के साथ ये लो ये देखो जा गई लल्ली और जा गई करी। गार्लिक नान खाएंगे इसके साथ, बटर चिकन के साथ। लोग कहते हैं मटन सेहत के लिए अच्छा नहीं है, सर चेक करो, पचाने की हिम्मत रखो, मटन बहुत सेहतमंद है। देसी घी में बना हुआ था ये, देख लिया सेहत के लिए अच्छा होगा, देख लिया था। जसविंदर जी भी लगे हुए हैं, बताया मैंने। हाँ जी, कैसे काम करते हो आप, फुल मन लगा के? नहीं सर, जनरली आप बताइए टेस्ट कैसा लगा आपको, करी इसका टेस्ट कैसा लगा? बस रिव्यू खत्म हो गया, दो मिनट और बस रहेगा, ठीक है? मजा आ गया। जब मैं बातें कम करूँ तो खाऊँ ना, समझ जाओ बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग। ये थी बीसी की ग्रेवी, अलग से इन्होंने काजू की ग्रेवी डाली थी, जस्ट लेरिंग इन, और ये है जी पूरा पीस। ये देखो जी, ये लिया नान। आई एम सॉरी अगर मेरी उंगलियाँ थोड़ी मैस्ड अप है, बट यार इंडियन फूड खा रहे हो, क्या एक्सपेक्ट करोगे मुझसे? चिकन को निकाला और बटर चिकन का कॉम्पिटिशन कितने लोगों के साथ, एंड क्यों ना हो यार, प्राउड ऑफ बटर चिकन। हाँ चलो जी, वो जो मगज की ग्रेवी थी काजू की, वो जो खोया डाला, मक्खन डाला, गार्निश होने के बाद टाइम मक्खन डाला, गार्निश होने पे क्रीम डाली, ये लोग ना कुछ अलग ही कर रहे हैं। दिस इज प्योर रिचनेस, प्योर रिचनेस, मजा आ गया। वन सेकेंड, काके दा होटल, मुझे लगी भूख, फरीदाबाद सेक्टर 16 में है, नंबर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस सब डाल दूंगा, पहुँच जाना, कोई भी काम हो फोन करना। बैठने की जगह 50 लोगों की, समझो आराम से बैठ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर शो और फेसबुक शो पर इतना भाई फॉलो करना, बहुत जल्द मिलूंगा, टेक केयर, बाय बाय।